हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जो अपकमिंग बुल मार्केट में जो है परफॉर्म कर सकती है। बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर है दुनिया में, अगर वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी में, तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। उस होता क्या है, उससे ये होता है जो बड़े कॉइन्स होते हैं वो जो है ऊपर जाते, मतलब उसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ होती है। वो क्यों? क्योंकि वो उसका डिमांड ज़्यादा होता है और वो मार्केट में बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी महंगे हो जाते। तो अभी मैं आप लोगों को ऐसे कॉइन्स बताऊंगा जो आने वाले कुछ दिनों में ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है इथेरियम। इथेरियम जो है दूसरा बड़ा कॉइन है बिटकॉइन के बाद, और ये जो है काफ़ी ऊपर जा सकता है क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इसमें हुई है लोगों की। इसके बाद जो है रिपल XRP कॉइन, ऐसा कॉइन है जो बिटकॉइन से रिलेटेड है, मतलब बिटकॉइन के साथ ये भी ऊपर जाता है, तो इसके भी काफ़ी चांसेस है ये भी ऊपर जाएगा। और इसके बाद जो है बाइनेंस कॉइन BNB जो है, ये बाइनेंस का अपना नेटिव कॉइन है। और ये क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि CZ जो है, जो बाइनेंस का CEO है, वो इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। और इसके अलावा जो है ये कुछ और कार्डानो है, पोलका डॉट है, ये छोटे कॉइन्स हैं, तो ये भी थोड़े से ऊपर जाएंगे। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि बुल मार्केट आने वाला है या बुल मार्केट चल रहा है? तो आप स्पेसिफिक न्यूज़ पे फोकस करें, मतलब ऐसी न्यूज़ देखें जो क्रिप्टो और ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो। तो इसमें आप ऐसे देखें कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे एलन मस्क है या फेसबुक का CEO है, ठीक है, वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, कौन से कॉइन वो ले रहे, तो उनसे आपको जो है मालूम होगा कि भाई कौन सा कॉइन जो है ऊपर जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।